इग्निशन स्विच अभी ऑफ है यानी कि चाबी। अब जैसे ही हम यहाँ ऑन करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं डिजिटल मीटर में कुछ भी शो नहीं कर रहा है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये हॉर्न स्विच ये भी नहीं बज रहा है, ठीक है। इंडिकेटर भी कुछ काम नहीं कर रहा है दोस्तों, देख सकते हैं डिजिटल मीटर में। और दोस्तों हम सेल्फ यहाँ यूज़ करते हैं, देख सकते हैं ये सेल्फ स्विच है, हम सेल्फ भी यहाँ यूज़ करते हैं तो सेल्फ भी दोस्तों नहीं चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इसी के बारे में आज हम फोकस करेंगे कि आखिर में कहाँ पे प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसका बैटरी ख़त्म हो गया दोस्तों, लेकिन बैटरी ख़त्म नहीं हुआ है, बैटरी एकदम ओके है, परफेक्ट है। हम आपको बैटरी पहला सबसे पहला हम बैटरी ही आपको चेकअप करके दिखाएंगे दोस्तों। तो ये LED बल्ब दोस्तों आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि एक्चुअली में बैटरी सही है कि खराब है दोस्तों। अगर आपके गैरेज में मल्टीमीटर नहीं है तो आप ये टेस्टी लैंप से भी आप बैटरी चेकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये टेस्टी लैंप, ठीक है। टेस्टी लैंप के एक वायर हम प्लस टर्मिनल से अटैच किए हैं और एक वायर माइनस टर्मिनल से अटैच किए हैं, और ये टेस्टी लैंप देख सकते हैं दोस्तों रोशनी के साथ ये बल्ब रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बैटरी एकदम ओके है, ठीक है, बैटरी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये टेस्टी लैम्प एकदम यानी कि रोशनी एकदम बिल्कुल दे रहा है, ठीक है। तो हमको ये पता चलता है ये टेस्टी लैम्प से कि बैटरी एकदम ओके है, बैटरी के कोई दोष नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों आप सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बैटरी तो ठीक है लेकिन फ्यूज इसके ख़त्म हो गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम आपके फ्यूज भी दिखा देते हैं, फ्यूज भी एकदम ओके है दोस्तों, लेकिन हम लोगों ने डायरेक्ट करके भी देखा है तब भी यानी कि डिजिटल मीटर में लाइन कुछ नहीं शो कर रहा था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं एक 15 एम्पियर के फ्यूज लगा हुआ है, एक 10 एम्पियर के फ्यूज लगा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ फ्यूज डायरेक्ट करके भी हम लोगों ने देखा है दोस्तों, लेकिन तब भी डिजिटल मीटर में लाइन शो नहीं कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हैं फ्यूज डायरेक्ट हम लोगों ने किया था, ठीक है। यहाँ देखिए हम आपको प्रूफ दे रहे हैं, देखिए फ्यूज एकदम सही है, ठीक है। देखिए यहाँ इसके नीचे भाग में आप देख सकते हैं फ्यूज सही है, तब भी हम डायरेक्ट करके देखा है कि कहीं फ्यूज में ही प्रॉब्लम था यानी कि कहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन फ्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए ये डायरेक्ट को पहले हम निकाल लेते हैं, देखिए हम निकाल लेते हैं और फ्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, फ्यूज एकदम सही है, देख सकते हैं कटा हुआ नहीं है फ्यूज, ठीक है। तो चलिए हम इसमें इंस्टॉल कर देते हैं एकदम आराम से दोस्तों, कोई जोर जबरदस्ती इसमें करने का नहीं है, ठीक है। और ये 10 एम्पियर के फ्यूज भी हम देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, फ्यूज तो सही है लेकिन हम आपको प्रूफ दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं ये भी फ्यूज एकदम सही है दोस्तों, इसके ग्लास में देख सकते हैं, देख सकते हैं फ्यूज सही है, तब भी हम लोगों ने डायरेक्ट करके देखा है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये हम निकाल देते हैं और ये फ्यूज सही नहीं है, देख सकते हैं कटा हुआ नहीं है, और इसमें भी हम इंस्टॉल कर देते हैं दोस्तों, देखिए हम इंस्टॉल कर दिया है। अब इसको ढक्कन को हम बंद कर देते हैं क्योंकि फ्यूज के कोई दोष नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली में इस बाइक में प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो यहाँ देख सकते हैं ये बैटरी एकदम ओके है, एकदम परफेक्ट है, और फ्यूज भी दोस्तों यहाँ देख सकते हैं फ्यूज भी दोस्तों एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब दोस्तों आपको मन में सवाल उठ रहा होगा कि चाबी स्विच कहीं ख़राब हो सकता है, तो चलिए अब चाबी स्विच भी हम डायरेक्ट करके हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यही है चाबी का सॉकेट और दो वायर लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा उजला वाला जो वायर है ना दोस्तों, ये कहाँ से आता है, तो सबसे पहले हम आपको ये जानकारी देंगे जो ये पूरा उजला वाला वायर है ना दोस्तों, ये आता है हमारे डायरेक्ट बैटरी से आता है, मेन लाइन है दोस्तों ये बैटरी का, ठीक है। एक ये वायर दोस्तों देख सकते हैं चॉकलेटी पे नीला लाइन बना हुआ है दोस्तों, तो ये वायर दोस्तों कहाँ जाता है, तो दोस्तों आपको पता नहीं होगा, ये वायर डायरेक्ट हमारे जाता है फ्यूज में, ठीक है। तो ये दोनों वायर को बारे में आपको समझ आ ही गया होगा कि एक्चुअली में ये कहाँ से आता है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो उजला कलर के वायर है ना, डायरेक्ट बैटरी से आता है, ठीक है। और दोस्तों ये चाबी ऑन हो या ऑफ हो इसे कोई मायने नहीं रखता है, ये वायर ये डायरेक्ट आता ही रहता है इसमें करेंट, ठीक है। और जैसे ही हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो इग्निशन स्विच ऑन करते ही उसी टाइम इसका करेंट, ये उजला वाला का करेंट ये वाला वायर में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और यही वाला वायर के जरिए से सारा हमारा डिजिटल मीटर भी ऑन हो जाता है, इंडिकेटर हम बालते हैं तो वहाँ भी करंट चल जाता है, हॉर्न भी वहीं से बजता है, यही वाला वायर के जरिए से पूरा काम वायरिंग का होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहला ये इग्निशन स्विच सही है कि खराब है हम पहले डायरेक्ट करके हम आपको बताते हैं। तो कुछ नहीं करने का है और धरने का है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं एक वायर का टुकड़ा ले लेना है दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों इसमें घुसेड़ देना है, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं यानी कि लगाना है दोस्तों, हम घुसेड़ने के बोल रहे हैं, ठीक है, माइंड नहीं करिएगा। देख सकते हैं हम डायरेक्ट यहाँ कर लिए हैं तब भी दोस्तों यहाँ डिजिटल मीटर में लाइन नहीं आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं चाबी ऑफ यानी कि ऑन का मतलब नहीं है क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट करके रखा है, ठीक है।
देख सकते हैं कुछ भी लाइन शो नहीं कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हॉर्न भी हम बजाते हैं तो हॉर्न भी नहीं बज रहा है, इंडिकेटर हम बालते हैं तो इंडिकेटर भी नहीं बल रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली में कहाँ पे प्रॉब्लम है दोस्तों, प्रॉब्लम तो हम लोग सॉल्व कर दिया है लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली में कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये प्लस वाला टर्मिनल एकदम यानी कि प्रॉपर तरीका से ये एकदम ये टाइट है, देख सकते हैं ये हिल नहीं रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये माइनस वाला टर्मिनल दोस्तों आप देख सकते हैं प्लस वाला स्क्रूप से ये टाइट है, ठीक है। तो दोस्तों प्लस वाला स्क्रूप से बैटरी कभी भी आप दोस्तों टाइट नहीं करिएगा, ये प्रॉपर तरीका से टाइट नहीं होता है दोस्तों। देख सकते हैं ये बैटरी के ओरिजिनल नट है, देख सकते हैं तो ये यानी कि प्रॉपर तरीका से टाइट है। लेकिन इधर साइड दोस्तों देख सकते हैं कुछ अलग स्क्रूप इसमें टाइट किया गया है दोस्तों, ठीक है। इसी वजह से ये बाइक में लाइन नहीं आ रहा है दोस्तों। ये यानी कि जितना भी हम टाइट करें दोस्तों लेकिन ये वाला स्क्रूप से टाइट नहीं होगा दोस्तों, देख सकते हैं ये प्लस वाला है, ठीक है। और ये हिल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं ये हिल रहा है, देखिए यहाँ, ठीक है, ये टाइट ही नहीं है दोस्तों। तो कहाँ से डिजिटल मीटर में लाइन आएगा और सेल्फ चलेगा यानी कि पूरा काम होगा, नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ये हिल रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला इसको हम टाइट करते हैं, ठीक है, और ये खोल के खाक्सी वगैरह हम लगाते हैं और टाइट करके हम आपको बताते हैं एक्चुअली में कि प्रॉब्लम सही हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम खोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ निकालते हैं, देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार के बैटरी टाइट किया गया है, ये वाला वाशर लगा के दोस्तों, देख सकते हैं ये जो वाशर है ना ये इसमें से नहीं निकल रहा है, तो कहाँ से लाइन आएगा दोस्तों, देख सकते हैं। जब हम इसे हम टाइट करेंगे ना तो ये प्रॉपर तरीका से ये चाप नहीं सकेगा दोस्तों, यानी कि इधर से टच नहीं कर सकेगा ये वाला स्क्रू, तो कहाँ से लाइन आएगा दोस्तों, ठीक है। डिजिटल मीटर में लाइन ना आने का मेन प्रॉब्लम यहीं से है दोस्तों, ठीक है। देख सकते हैं ये जो वाशर है ना ये नहीं निकलेगा, देख सकते हैं हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये वाशर नहीं निकल रहा है दोस्तों, क्योंकि इसी में ही अटैच किया गया है, ठीक है। और जब हम इस प्रकार से जब हम इसमें लगाएंगे तो देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीका से उधर धकेल नहीं पाएगा और टाइट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहीं से प्रॉब्लम है, ये नट देख सकते हैं जो प्लस टर्मिनल से यहाँ टाइट है ना, हम सेम टू सेम ऐसा ही नट दोस्तों इसमें हम लगाएंगे, देख सकते हैं ये नट, ठीक है। ये बैटरी का ओरिजिनल नट है दोस्तों, देख सकते हैं बोल्ट बैटरी का ओरिजिनल बोल्ट है, देख सकते हैं सेम टू सेम है। तो ये वाला हम इसमें लगाएंगे, चलिए पहले हम खाक्सी इसमें यूज कर लेते हैं कि यानी कि कार्बन वगैरह यहाँ से हट जाए दोस्तों, ठीक है, जो जंग संग इसमें लगा रहता है ना वो हट जाए। तो दोस्तों अगर लाइन ना आए तो सबसे पहला आप बैटरी ही चेकअप करिएगा और बैटरी के जो प्लस और माइनस टर्मिनल जो टाइट रहता है, देख सकते हैं थिम्बल, वो आप चेक करिएगा सबसे पहला, ठीक है। अब इसमें लगा के और यहाँ भी हम टाइट करते हैं दोस्तों, ठीक है, ये टाइट हो गया, ठीक है। अब ये टाइट भी हम कर लेते हैं, ये तो सही है, देखिए दोस्तों ये भी थोड़ा सा लूजे ही था, ठीक है, और ये भी एक बार हम टाइट कर लेते हैं, ठीक है, देखिए टाइट हो गया दोस्तों। अब चलिए हम ऑन करके हम आपको बताते हैं चाबी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये चाबी ऑफ है अभी, ठीक है, अब हम यहाँ ऑन करेंगे, देख सकते हैं एकदम डिजिटल मीटर शो करने लगा है दोस्तों और इंडिकेटर भी शो करने लगा है दोस्तों। अब हॉर्न भी हम बजाएंगे तो देख सकते हैं हॉर्न भी प्रॉपर तरीका से काम कर रहा है। अब बाकी रह गया सेल्फ, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हम सेल्फ यूज करेंगे, तो दोस्तों देख सकते हैं एक सेल्फ में भी स्टार्ट हो गया ये बाइक। तो दोस्तों प्रॉब्लम छोटा सा था लेकिन दिमाग बहुत यानी कि खराब किया इस बाइक ने दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों प्रॉब्लम छोटा सा ही रहता है लेकिन मैकेनिक भाई का दिमाग ख़राब कर देता है दोस्तों, एकदम टेंशन में पार देता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना तो कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी हेल्पफुल वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।